हाय फ्रेंड्स, आप भी एक्सिस बैंक के अंदर एक नया अकाउंट ओपन किया है, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, उसका अंदर जो एटीएम कार्ड प्रोवाइड किया गया है, उस एटीएम कार्ड का एटीएम पिन बनाना चाहते हैं तो आप तीन तरीके से बना सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो तरीका आपको बताएंगे वो सबसे आसान तरीका, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। तो अगले वीडियो में आपको दिखाया था कि एक्सिस बैंक का जो नया डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है वो आप कैसे घर बैठे ओपन कर सकते है, तो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो इस वीडियो का आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो को आप देख सकते हैं और साथ ही साथ अपना एक नया अकाउंट को ओपन कर सकते हैं घर बैठे। एक्सिस बैंक के अंदर आपने जो नया अकाउंट ओपन किया है उसमें जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड प्रोवाइड किया गया है उसका आप एटीएम पिन बनाना चाहते हैं तो आप इजीली तीन तरीके से बना सकते हैं। जो पहला तरीका यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्टली एक्सिस बैंक का जो एटीएम है वहाँ पर विजिट करना है, वहाँ से आप एक्सिस बैंक का जो नया एटीएम कार्ड है उसका पिन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा स्टेप प्रोवाइड किया गया है, एक्सिस बैंक का जो एक्सिस मोबाइल ऐप से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से आप अपना एटीएम पिन बना सकते हैं। लेकिन इसका अंदर एक कंडीशन रहेगा, एक्सिस मोबाइल ऐप्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास एटीएम पिन जरूरी है, तब जाके आप एक्सिस मोबाइल ऐप्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का जो नया एटीएम कार्ड है उसका पिन बनाने के लिए आप किसी भी एटीएम में जा सकते हैं और अपना एटीएम पिन इजीली बना सकते हैं। और आप किसी भी एटीएम में नहीं जाना चाहते, घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से करना चाहते, तो आप डायरेक्टली एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर है वहां पर कॉल करके आप अपना एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम एक्सिस मोबाइल ऐप्स में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एटीएम पिन जरूरी है, तो आप एक्सिस मोबाइल ऐप से भी फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते है। उसके लिए आपको एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर है वहाँ पर कॉल करना पड़ेगा और आपका जो एटीएम पिन है वो बनाना पड़ेगा। तो जो सबसे आसान तरीका है उस तरीका को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर है वहाँ पर कॉल करेंगे और सारे डिटेल्स आपका सामने लाइव करके दिखाएंगे। वेलकम टू एक्सिस बैंक फोन बैंकिंग। हेलो, आई एम अक्सा, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो द सेविंग्स अकाउंट बैलेंस, यू कैन से आई वांट माय सेविंग्स अकाउंट बैलेंस। My ATM card pin generation. Okay, so you have debit card pin related query, is that right? Yes. Done. Please wait as we transfer your call to the pin generation menu for debit card, where you will be able to generate a new pin for your debit card. To generate pin for your card, you need to use an activation passcode. This passcode shall be sent to your mobile number registered with the bank. To generate an activation passcode, dial 1. If you have received the activation pass, please dial your debit card number. Please dial your birth date in DDMMYYYY format. The activation passcode message has been sent to your registered mobile number. If you have already received your activation passcode, dial 1. If you have not, please dial your activation passcode. Please dial the 4-digit PIN of your choice. Please redial the new PIN for confirmation. You have successfully generated your debit card PIN. Confirmation SMS is sent to your registered mobile number. You will receive a confirmation SMS on your registered mobile number shortly. डायरेक्टली एक्सिस बैंक कस्टमर केयर में कॉल करके इस एटीएम कार्ड का जो एटीएम पिन है हमने घर बैठे बना लिए हैं, उसके बाद एक्सिस मोबाइल ऐप्स में हम इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक्सिस मोबाइल ऐप्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे अपना पिन को रीजनरेट करना है या चेंज करना है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना है और इस नेक्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो का एंड में आपको देखने को मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।